नमस्कार दोस्तों कृष्णा एस में आपका स्वागत है और आज फिर हम एक के नए क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हैं जो यू पी में इतिहास एवं संस्कृति खंड के अंतर्गत आया है हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है राइट लेकिन यू का एग्जाम खास करके मुख्य परीक्षा हमें पास करने के लिए देते हैं और पास करने के लिए जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन चाहे जितना भी सिंपल क्यों ना हो हम अपना आंसर बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से लिख सकते हैं और उसमें भी मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं राइट right? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक बार तो क्वेश्चन आप देख लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का धार तैयार किया यानी कि सबसे पहला जो हमें बात करनी है कि नरमपंथियों की भूमिका राइट और दूसरा कि नरमपंथियों की सीमा को भी थोड़ा सा उद्घाटित करना है हमें और तीसरा जो है व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तीन चीज है और ये क्वेश्चन आपको 250 शब्दों में लिखना है तो इसके लिए अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा आपके पास शब्द हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं चीज़ों को अब यहाँ ध्यान रखना है कि तीन चीज़ हमें फोकस करनी है तो पहला तो आप इंट्रोडक्शन लिखें ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन परिचय इसको भी भूमिका बोलते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं ध्यान ये रखना है कि जब नरमपंथी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अठारह से ले कर उन्नीस ईस्वी तक के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन है उसकी हम बात कर रहे हैं राइट right. तो एक दो लाइन में अगर हमको इंट्रोडक्शन लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं है ना तो हम लिख सकते हैं कि भारत में नरमपंथी कांग्रेस की नरमपंथी चरण की नेताओं ने सर्वप्रथम भारत में संगठित राष्ट्रवाद की नींव रखी संगठित राष्ट्रवाद एक चीज ध्यान में रखना है कि राष्ट्रवाद का विकास जो है इसके पहले भी हो रहा था राइट right? लेकिन राष्ट्रवाद का जो विकास की जो प्रक्रिया थी वो बहुत असंगठित थी पहले की जो राष्ट्रवाद थे वो असंगठित थी उनमें संगठन का अभाव था हालांकि प्रक्रिया संगठन निर्माण की प्रक्रिया पहले भी चल रही थी लेकिन जो हमारे राष्ट्रवादी नरमपंथी राष्ट्रवादी हैं इन नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने भारत में एक संगठित राष्ट्रवाद की नींव रखी ये इनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है बहुत बड़ी भूमिका है कि जब हम संगठित राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमारे इस संगठित राष्ट्रवाद में हमारे पास इसका लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति होती है हालांकि हम देखेंगे उसकी सीमा में भी इस बात को देखेंगे यानी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारंभ में लक्ष्य निर्धारित किया संवैधानिक सुधार और 1905 में जब बनारस कांग्रेस अधिवेशन होता है तो इन्होंने स्वशासन अपना लक्ष्य घोषित किया ध्यान ये रखना है यानी कि संवैधानिक सुधार का लक्ष्य लेकर हम चले और 1905 में जाकर के हम उसको स्वशासन के लक्ष्य में परिवर्तित कर दिए और 1906 में फिर उग्र राष्ट्रवादी जो हैं वो उसको स्वराज्य बोलेंगे और फिर गांधी भी उसको स्वराज्य ही बोलते हैं हालांकि स्वराज की व्याख्या को लेकर अलग अलग मंतव्य है अलग अलग विचार है और फिर उन्नीस में जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया जाता है और बाद में स्वतंत्रता की बातें आती हैं तो एक तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या हुई कि इन्होंने कांग्रेस जैसा संगठन का निर्माण किया इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अठारह में इन्होंने किया क्योंकि संगठित राष्ट्रवाद की बात हम यहाँ कर रहे हैं और उस संगठित राष्ट्रवाद के अंतर्गत इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया ये लक्ष्य संवैधानिक सुधार था और उस लक्ष्य को फिर बदला गया स्वशासन में बाद में वो स्वराज आया और बाद में पूर्ण स्वतंत्रता हुआ फिर स्वतंत्रता हम प्राप्त कर रहे तो एक तरह से इनकी इससे अवधारणा के इस लक्ष्य में परिवर्तन के साथ कुछ कंटिन्यूटी दिख रही है तो ये इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है राइट right? दूसरा इनकी रणनीति जो थी शांतिपूर्ण प्रतिरोध की रणनीति शांतिपूर्ण प्रतिरोध ये जिससे राष्ट्रवाद का विकास कर रहे हैं उस राष्ट्रवाद के विकास में इन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की नीति का अनुसरण किया था जिसे आवेदन निवेदन भी कहा जाता है right? राइट लेकिन पीसफुल मोमेंट का जो अवधारणा हमारे नरमपंथी नेताओं ने डेवलप किया बाद में गांधी भी शांतिपूर्ण प्रतिरोध की नीति को स्वीकार करते हैं उसकी निरंतरता गांधी के व्यापक जन राष्ट्रवाद जो है दिखाई देती है और इसलिए यहां भी इनकी भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते तो तो दो तो यहां पर आप दिखा सकते हैं तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है इनकी भूमिका के संदर्भ में तीसरी जो बात मैं कह रहा हूं कि इन्हें उपलब्धियां क्या प्राप्त हुई हासिल क्या हुआ इन्हें? क्योंकि इन्हें जो हासिल होगा या जिस आधार का निर्माण इन्होंने किया चूंकि हमें इस क्वेश्चन का विश्लेषण इस तरह से करना है कि नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तिर किया यानी व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन जो गांधी के नेतृत्व में शुरू होता है और उसमें अन्य भी आयाम हैं जिसमें क्रांतिकारी हैं मार्क्सवादी हैं तो उससे व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार एक कैसे तैयार करता है तो क्या इन्होंने उपलब्धियां हासिल की और उपलब्धियां जो इन्होंने हासिल की उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है यह है आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जिस आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव नरमपंथियों ने रखी जिसके अंतर्गत इन्होंने उपनिवेशवाद की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की और दादा भाई नौराजी ने जिससे अपवाहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया धन के अपवहन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसके माध्यम से इन्होंने उपनिवेशवाद की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की इसी बाद के सभी राष्ट्रवादियों ने स्वीकार किया राइट right? भारत में अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं और भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं ये गांधी भी कह रहे हैं ये क्रांतिकारी भी कह रहे हैं ये मार्क्सवादी भी कह रहे हैं सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि उपनिवेशवाद का जो चरित्र है यह आर्थिक शोषण का चरित्र है और इस आर्थिक शोषण की प्रक्रिया को अगर सबसे पहले किसी ने स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक रूप से उद्घाटित किया तो ये हमारे नरमपंथी राष्ट्रवादी थे और ये धीरे धीरे व्यापक जाता है क्योंकि आइडियोलॉजी के रूप में एक फ्रेम ये तैयार करते हैं इस आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव इन्होंने रखी अपील इन्होंने अंग्रेजों से की ब्रिटिश सरकार से की लेकिन ब्रिटिश सरकार उसको स्वीकार नहीं करती है इसके विरुद्ध में उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने, ने स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू किया उनका स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन बहुत व्यापक नहीं हो सका बहुत प्रभाव नहीं डाल सका लेकिन उसी की प्रणिति आगे गांधी में जाती है जब गांधी भी स्वदेशी और बहिष्कार की बात करते हैं और स्वदेशी और बहिष्कार को बेहतर तरीके से गांधी लागू करते हैं इसलिए जो यहाँ पर ये अवधारणा आपके सामने रखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जहाँ इन्होंने उपनिवेश और औपनिवेशिक सत्ता के बीच के संबंध को वैज्ञानिक रूप से उद्घाटित करने का काम किया तीसरा इन्होंने उपनिवेशवाद के वैचारिक आधार को कमजोर किया राइट right? अब देखो उपनिवेशवाद का वैचारिक आधार क्या था राइट right? उपनिवेशवादी शासन जो था ये सभ्यता मिशन के सिद्धांत में विश्वास करता था और वो इस बात को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था कि अंग्रेज भारत में भारतीयों के हित में काम करने के लिए आए हैं भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं इस सभ्यता मिशन की जो उनकी अवधारणा थी उसका वैज्ञानिक तरीके से खंडन हमारे नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने किया और इसका निरंतरता आपको आगे भी देखने को मिलेगा आइडियोलॉजी के रूप में नरमपंथियों ने उसका खंडन कर दिया और भौतिक रूप में गांधी ने लोगों को ये दिखाने का काम किया समझाने का काम किया कि उपनिवेशवाद कितना घातक है इससे हमारी स्थिति कितनी खराब हो रही है इसको गांधी ने दिखाने का प्रयास किया था इसलिए इसकी निरंतरता भी बाद के दिनों में व्यापक राष्ट्रवाद का जो डेवलपमेंट होता है व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होती है उसमें भी इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है इसके बाद अगर बात करें तो इनका जो राजनीति है यह धर्मनिरपेक्ष राजनीति राइट सेकुलर ये सेकुलर राजनीति का निर्माण करते हैं इनकी राजनीति पूरी तरह से सेकुलर है धर्मपेक्ष चरित्र है और भारत राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र भी धर्मपेक्ष रहा आमतौर पर ठीक है इसमें सांप्रदायिकता का विकास हुआ भारत का विभाजन भी, भी हुआ लेकिन मुख्य धारा की जो राजनीति जो थी वह मुख्य धारा की राजनीति सेकुलर राजनीति थी धर्मपेक्ष राजनीति थी इसकी नींव हमारे नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने रखी थी ये इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसके अलावे अगर बात करें तो इन्होंने भारतीय लोगों को लोकतंत्र में प्रशिक्षित किया लोकतंत्र में प्रशिक्षित किया यानी डेमोक्रेटिक आंदोलन कैसे किया जा सकता है डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट भारत में कैसे किया जा सकता है इसमें भी इनकी बड़ी भूमिका रही और इन्होंने कुछ जनता के मुद्दों को भी उठाया कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार को भारत में जो पूंजी निवेश है सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश करना चाहिए और यहाँ जो आप टैक्स प्राप्त कर रहे हैं उस टैक्स का लाभ भारतीय लोगों को मिलना चाहिए जिस तरह से ब्रिटेन की प्रजा जो है ब्रिटिश सरकार को टैक्स देती है उस टैक्स से वहाँ के लोगों के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं उसी तरह से भारत में भी किया जाना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक नारा भी बुलंद किया कि प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं राइट इससे आपका डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट होता है लोग एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल होते हैं और एक तरह से इन्होंने हालांकि इनका सामाजिक आधार कमजोर था लेकिन ये अपने राजनीति के अंतर्गत समाज के सभी क्षेत्रों के जो बौद्धिक वर्ग था जो मध्यम वर्ग था शिक्षित मध्यम वर्ग था उनके बीच आपस में समन्वय स्थापित करके और राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं जिसके ऊपर आप देखेंगे कि उग्र राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट होता है या क्रांतिकारी डेवलप होते हैं गांधीवादी डेवलप होते हैं या मार्क्सवादी डेवलप होते हैं तो सबके लिए इन्होंने आधार तैयार किया इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने भारत में व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का धार तैयार किया करेक्ट तो एक तो आपको इस पर बात करनी है दूसरा जो इसका पोर्शन है कि सीमा है ना इनकी सीमाएं क्या थी क्योंकि ये सीमा भी हमें बताना है कि किस सीमा तक के ये तैयार कर रहे हैं तो इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं इनके फर्स्ट जो लिमिटेशंस तो ये थे कि इनके जो टारगेट जो शुरू के टारगेट थे संवैधानिक सुधार एक तरफ से आर्थिक रूप से इन्होंने उपनिवेशवाद की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की लेकिन दूसरी तरफ वो संवैधानिक सुधार उसी से मांग कर रहे हैं आवेदन निवेदन प्रतिवेदन भिक्षावृत्ति की राजनीति और इसका प्रतिफल हुआ कि इन्हें कोई बहुत विशेष लाभ नहीं मिला पहला चीज दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि इनकी जो मानसिकता थी कि जो आम जनता है वो अभी राजनीति के लिए तैयार नहीं है इसलिए स्टेप बाय स्टेप राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और सबसे पहले शिक्षित वर्ग को ही राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए इसके कारण क्या हुआ कि इनकी आंदोलन का जो सामाजिक आधार था वो सामाजिक आधार बड़ा कमजोर रहा ये बहुत ही कमज़ोर रहा ये उच्च वर्ग और उच्च शिक्षित वर्ग तक ही सीमित थे और इनका सामाजिक आधार बहुत व्यापक नहीं था एक तरह से ज़मींदारों का वर्चस्व था इस कारण से भी ये मूलभूत परिवर्तन करने के संदर्भ में भारत में किस तरह से मूलभूत परिवर्तन किया जाए भारतीय समाज में उस पर बल नहीं देते हैं तो एक तरह से ये आर्थिक रूप से जहाँ उनकी व्याख्या करते हैं वैज्ञानिक रूप से लेकिन उसके जो व्यवहारिक के जो रास्ता होनी चाहिए कि व्यवहारिक रूप में हम कैसी उपनिवेश उपनिवेशिक शोषण से भारतीय जनता को बचा सकते हैं और भारतीय जनता को एकजुट कर सकते हैं उसमें ये विफल रहे जो इनकी सीमाएँ थीं बाद में गांधी ने इनकी सीमाओं को इनकी जो लिमिटेशंस थे उसको ख़त्म किया और गांधी के नेतृत्व में फिर जनराष्ट्रवाद का विकास होता है तो इस तरह से हम कहेंगे कि इनके कुछ लिमिटेशंस थे ये लिमिटेशन औपनिवेशिक सत्ता के कारण भी था क्योंकि तब हमारा मध्यम वर्ग काफी कमजोर था लेकिन इन जो सीमाएं हैं इन लिमिटेशंस जो है इसके बावजूद इन्होंने भारत में व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया और उस पृष्ठभूमि के ऊपर ही भारत में जो व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसके विभिन्न जो धारा के लोग थे उन्होंने उसको आगे की ओर वो ले गए और भारत स्वतंत्र हुआ राइट तो इस तरह से आप जो है इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं